रवींद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। रवींद्रनाथ ठाकुर 7 मई 1861 7 अगस्त 1941 को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान हमार सुनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। जीवन। रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के संतान के रूप में 7 मई 1861 को कोलकाता के जुनासा को ठाकुर बाड़ी में हुआ। उनकी स्कूल की पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की चाहत में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटन में पब्लिक स्कूल में नाम दर्ज कराया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1880 में बिना डिग्री हासिल किए ही स्वदेश वापस आ गए। सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। रचना। बचपन से ही उनकी कविता, छंद और भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी और 1877 में केवल 16 साल की उम्र में उनकी लघु कथा प्रकाशित हुई थी। भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा टैगोर के सृजन संसार में गीतांजलि, पूरबी प्रवाहिनी, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनवाणी, परिशेष, पुनश्च, वीथिका, शेषरेखा, चोखेर बाली, कनिका, नैवेद्य, मायर खिला और क्षणिका आदि शामिल हैं। देश और विदेश के सारे साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि उन्होंने आहरण करके अपने अंदर समेट लिए थे। पिता के ब्राह्म समाजी के होने के कारण वे भी ब्राह्म समाजी थे, पर अपनी रचनाओं व कर्म के द्वारा उन्होंने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाया। टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की। अनुवाद। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं के अंदर वह अलग अलग रूपों में उभर आता है। साहित्य की शायद ही ऐसी कोई शाखा हो जिनमें उनकी रचना न हो। कविता, गान, कथा, उपन्यास, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला, सभी विधाओं में उन्होंने रचना की। उनकी प्रकाशित कृतियों में गीतांजलि, गीताली, गीतमाल्य, कथाओ कहानी, शिशु, शिशु भोलानाथ, कनिका, क्षणिका, हिया आदि प्रमुख हैं। उन्होंने कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। अंग्रेजी अनुवाद के बाद उनकी प्रतिभा पूरे विश्व में फैली। प्रकृति का सान्निध्य। टैगोर को बचपन से ही प्रकृति का सान्निध्य बहुत भाता था। प्रकृति के प्रति गहरा लगाव रखने वाला यह प्रकृति प्रेमी ऐसा एकमात्र व्यक्ति है जिसने दो देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा। वो हमेशा सोचा करते थे कि प्रकृति के सान्निध्य में ही विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए। इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए वह 1901 में सियालदह छोड़कर आश्रम की स्थापना करने के लिए शांति निकेतन आ गए। प्रकृति के सान्निध्य में पेड़ों, बगीचों और एक लाइब्रेरी के साथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। चित्रकार रवींद्र गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया। इसमें युग का संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर प्रकट हुए हैं। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं में वह अलग अलग रूपों में उभर कर सामने आया। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। जहां गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का विशेषण दिया था। एक समय था जब शांति निकेतन आर्थिक कमी से जूझ रहा था और गुरुदेव देश भर में नाटकों का मंचन करके धन संग्रह कर रहे थे। उस वक्त गांधी जी ने टैगोर को 60,000 रुपए के अनुदान का चेक दिया था। जीवन के अंतिम समय 7 अगस्त 1941 के कुछ समय पहले इलाज के लिए जब उन्हें शांति निकेतन से कोलकाता ले जाया जा रहा था, तो उनकी नातिन ने कहा कि आपको मालूम है हमारे यहाँ नया पावर हाउस बन रहा है।